दिल्ली के ओखला मंडी के पास बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को पकड़ा गया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से उनकी जान बची। हालांकि एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान भागने में कामयाब भी हो गया। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये कौन बदमाश है और किस वक्त ये मुठभेड़ हुई, क्या कामयाबी मिली पुलिस को? जी विद्या, मैं आपको बताऊं कि सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास की बात है, जब साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशल स्टाफ है उसे जानकारी मिली थी कि एक तनवीर उर्फ मुनव्वर नाम का एक बड़ा बदमाश है, जो कि 70,000 का इनामी बदमाश है, वो इस इलाके में अपनी कार के साथ आने वाला है। उसके बाद में पुलिस ने जब उसकी कार वहां पहुंच गई इलाके में, ओखला मंडी के इलाके में, उसकी कार को रोकने की कोशिश की तो कार को भगाता वो आगे की ओर ले गया। उसके बाद में मैसेज फ्लैश किया कि आगे एक बैरिकेड लगा रखा था पुलिस टिकट का, उन्होंने उस कार के आगे अपना बैरिकेड लगाया। उसके बाद में उसकी कार जैसे ही रुकी तो कार में सवार जो बदमाश है मुनव्वर, उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश पर भी फायरिंग की और इसी दौरान तकरीबन 8 से 10 राउंड फायर हुआ है, जिसमें जो बदमाश है मुनव्वर उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मौके से, लेकिन जो दूसरा बदमाश है वो भागने में कामयाब रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, हालांकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस कर्मी आप तस्वीरों में देख रहे हैं सुरक्षा जैकेट के साथ हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है ये जो उन्होंने पहन रखी है, लिहाजा पुलिस को कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ और बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ पुलिस की हुई।